आदरणीय गार्जियन मिनिस्टर बस पहुंच ही रहे हैं और थोराट साहब भी अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे मुंबई से। तो एक दो मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर नीचे आ ही गए हैं, बस एक मिनट में ऊपर आते होंगे। आप सबका धन्यवाद और रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ अपने स्थान पर बैठ जाएंगे ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे और मोबाइल अपने साइलेंट मोड में रखिएगा प्लीज़। हमारे बीच हमारे गार्जियन मिनिस्टर वो एनर्जी मिनिस्टर डॉक्टर नितिन राउत जी आ चुके हैं। तालियों से उनका स्वागत किया है। मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं सभी से। एक बार सबका फिर से स्वागत। हमारे बीच थोराट साहब मुंबई से जुड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना वेलकम इस प्रोग्राम के बारे में जो हम लोग एक अवेयरनेस स्टार्ट किया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नितिन राव जी से, हमारे गार्जियन मिनिस्टर, कि वे प्लीज़ डायस पर आएँ। रिक्वेस्ट करता हूँ मुन्ना ओझा जी से और मालू जी से कि प्लीज़ उन्हें डायस पर लेके आएंगे। आज के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तीनों अध्यक्षों से रिक्वेस्ट है कि सर का पुष्प कुछ से स्वागत करें प्लीज। सर तालियों से प्लीज स्वागत कीजिए एक बार और। थैंक यू सो मच। साथ में थोराट साहब हमारे साथ में हैं, उनका भी एक बार वर्चुअल हमारे साथ प्रेजेंस रहने के लिए उनका धन्यवाद के लिए एक तालियों से उनका स्वागत किया जाए प्लीज। आगे की कार्रवाई के लिए हमारे ओझा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस प्रोग्राम की प्रस्तावना करेंगे प्लीज। धन्यवाद रेणु जी। आज कोविड थर्ड वेव के प्रिपेयरनेस के लिए इस हॉल के अंदर में शासन और प्रशासन के साथ कैसा तालमेल इंडस्ट्री ट्रेड का होना चाहिए, जनता का होना चाहिए, उसके लिए ये पैनल डिस्कशन रखा गया है। उसमें उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के महसूल मंत्री, सीएलपी लीडर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्माननीय बाड़ा साहब थोरात वर्चुअली उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूं। उसी कड़ी में नागपुर के गार्जियन मिनिस्टर, पालक मंत्री, राज्य के ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मान्य नितिन राव जी उपस्थित है, उनका भी मैं इस कार्यक्रम के अंदर स्वागत करता हूं। जिले की माननीय कलेक्टर महोदया आर विमला जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम लेने का प्रयोजन मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा भी ऑनलाइन है, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय थोरा साहब के नेतृत्व में पूरे राज्य में और आदरणीय नितिन राव जी पालक मंत्री नागपुर, इनके नेतृत्व में जिस तरह से कोविड वन और कोविड टू में शासन और प्रशासन ने काम किया है वो काबिले तारीफ था। इसका श्रेय प्रशासन को भी जाता है, हमारे तत्कालीन कलेक्टर रविंद्र ठाकरे जी, कमिश्नर संजीव कुमार जी और म्युनिसिपल कमिश्नर मुंडे जी तथा तमाम उनकी टीम, जिन लोगों ने पूरी सूझबूझता के साथ यहाँ की हेल्थ व्यवस्था ने भी व्यापारियों के साथ, नागपुर की जनता के साथ, नागपुर के लोगों के साथ
तालमेल बिठाकर कोविड वन और कोविड टू का जोरदार तरीके से सामना किया, जिसके कारण आज हम ठीक है, हमारे परिवार में कुछ लॉसेस हुए हैं क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे किस तरह से इस देश की स्थिति में जिस तरह सेकेंड वेव में नुकसान हुआ उसका तो भुगतान कोई कर नहीं सकता, लेकिन शासन और प्रशासन ने जिस तरह से सहयोग दिया, डॉक्टर साहब हम आपके आभारी हैं, थोरा साहब आपके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, कलेक्टर महोदया आपके भी आभारी, क्योंकि आप जिस तरह से शासन ने सरकार ने आप दोनों को यहाँ भेजा है, आपके कार्यों की चर्चा, विमला मैडम के कार्यों की चर्चा हम कई बार सुनते हैं, मंत्रालय में जिस तरह से उन्होंने विषम परिस्थितियों में काम किया काबिले तारीफ रहा, आपके आने से नागपुर में बहुत अच्छे ढंग से अगर कोई वेव आती है तो उसका सामना हम सब मिलकर करेंगे। डॉक्टर साहब हम मंत्री महोदय कहना चाहते हैं कि व्यापारी और ट्रेड इंडस्ट्री ये करीबन असंगठित कामगारों को कम से कम 50-60% लेकर चलती है, 40-50% तो इंडस्ट्री के अंदर में ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो छोटे छोटे दुकानों में, छोटे ऑफिसों में, छोटे इंडस्ट्री में, छोटे ऑफिसेस में, कॉरपोरेट्स में, घरों में, ये लोग जो लोग काम करते हैं वो सारे के सारे इन लोगों से इफेक्ट करते हैं, हमारी एसोसिएशन से इफेक्ट करते हैं। हम पूरी तरह आपके साथ हैं। ये जो संगोष्ठी करने का कारण ये था कि इस संगोष्ठी के माध्यम से आप जो भी आदेश हमें दें, जिस तरह से भी आपकी योजनाएं हो, थर्ड वे आ रही है या नहीं आ रही इसकी तो भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड आई उसमें किसी को कुछ पता नहीं था, थर्ड वे को आप फर्स्ट और सेकंड को आप लोगों ने अनुभव किया है, हमने अनुभव किया है, जनता ने अनुभव किया, ट्रेड और इंडस्ट्री ने अनुभव किया है, जिससे खामियाजे हम आज तक भुगत रहे हैं। इस थर्ड वे की तैयारी के लिए आप लोगों की तैयारी और हमारा कहां पर सहयोग लगता है पॉजिटिव वे में, हम आपके साथ हैं पूरी ताकत के साथ साथ में, इसी बात को समझने और समझाने के लिए और बताने के लिए और आपसे समझने के लिए ये संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए जब मैं आपके पास आया, मैडम कलेक्टर महोदया के पास गया, उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं कि बहुत पॉजिटिव वे में मैडम ने मुझे सहयोग दिया, आदरणीय मंत्री महोदय ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया। हम ये चाहते हैं सर, जिस तरह से सरकार अपने कार्यों को कार्यान्वित करे, हमारे एक ही निवेदन है आप लोगों से कि ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत तकलीफ में है इस वक्त और बहुत मुश्किलों से जूझ रही है, आपके आदेशों के साथ उनके घावों पे मरहम लगाने की बहुत आवश्यकता है, उनको साथ में लेने की आवश्यकता है, उनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। ये कतई नहीं चाहते कि इंडस्ट्री बंद हो जाए या इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे हम चालू रखेंगे लोगों का नुकसान हो, ये नहीं चाहते। ये चाहते भले ही अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो इंडस्ट्री बंद हो, लॉकडाउन लगे, लेकिन इनकी बातों को समझे और आने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करें, इनके घावों पर मलहम लगाए, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति मंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ की है, भले ही बड़े से बड़ा व्यापारी हो, छोटे से छोटा व्यापारी हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वकील हो, चाहे ठेले खोमचे वाला हो, सबके दिल में किसी न किसी रूप से ये दर्द बैठा हुआ है और एक भय बैठा हुआ है। ये भय को अगर कोई निकाल सकता है, इस भय को निकाल के कोई काम में लगा सकता है, ये भय को निकाल के अगर कोई उनकी पुरानी स्थिति में ला सकता है तो आप दोनों हैं यहाँ पर बैठे, आप शासन और प्रशासन दोनों मिलके इनके भय को निकालें, इनके साथ तालमेल बैठाएं, और ये अगर तालमेल बैठ गया तो हमें ये थर्ड वेव से लड़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता, मेरे को लगता बगैर कोई नुकसान के हम इस थर्ड वेव से लड़ सकते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम का आयोजन मेरी माताजी स्वर्गीय प्रभाताई ओझा इनकी संस्था के द्वारा, VTA विदर्भ टैक्सपेयर एसोसिएशन, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनके तत्वदान से हुआ है। तत्वदान भले ही हमारा हो डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें सहयोग सारी फेडरेशन सारी इंडस्ट्री का है, विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, चाहे बुटीबोरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, या नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो,
या क्रीडाई हो, चाहे वेद हो, चाहे MIDC MI एसोसिएशन हो, इनके सारे अध्यक्ष जैसे सुरेश राठी जी यहाँ बैठे हैं, विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बूटी बोरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल जी यहाँ मौजूद हैं, क्रीडाई के प्रेसिडेंट विजय दरगन जी यहाँ मौजूद हैं, विदर्भा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हमारे जाबाज इंटेलिजेंस साथी बुद्धिजीवी शिवकुमार राव जी यहाँ उपस्थित हैं, MIDC इंडस्ट्री एसोसिएशन के श्री सेवगांवकर जी उपस्थित हैं और कई तमाम लोग समाज से भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने सब ने मिलकर इनिशिएटिव, भले हमें इन्होंने सामने रखा, मेरी संस्था को सामने रखा, हमने डॉक्टर साहब पिछले एक और दो में सारी संस्थाओं ने बहुत जोरदार तरीके से काम किया, चाहे लोगों को भोजन पहुँचाना हो, चाहे जो कर्मचारी को काम छूट गया हो उनको मदद करनी हो, ये सारे के सारे काम हमारी संस्थाओं ने किए। मेरी संस्था ने नागपुर शहर के अंदर में अन्नदान भोजन दान काम किया, कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक नए तरीके की वैक्सीनेशन वैन दी और कई तरह के एक राजस्थान के अंदर हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। मेरी सारी भावनाओं को आप समझते हुए इन लोगों को साथ में लें, व्यापारी इंडस्ट्री ट्रेड यूनियन सब हम लोग चेह रहे हैं सर, लेकिन परिस्थिति बहुत दयनीय है, आप समझिए। आप हमारे ड्रेस पे, हमारे गाड़ी पे, हमारे बैंक बैलेंस पे, हमारे इस पे ना जाएं, आप हमारी सही में स्थिति समझे, क्योंकि बहुत ही हर तरह से हर तरह की परेशानी, एक बड़े को तो बड़े की परेशानी है, छोटे को छोटे की परेशानी है। हम चाहते हैं आप हमारे कंधे पे हाथ रखें और हमें साथ में लेके चले और इस तरह का वातावरण बनाए कि कोविड थर्ड में हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ाई करें। यही मेरे व्यापारियों की और मेरी जो बात थी हमने आपके सामने रखी। कार्यक्रम की अगली शुरुआत हम करते हैं, हमारे बीच हमारे राज्य के नेता, वरिष्ठ नेता, राज्य के महसूल मंत्री, जिन्हें मैं रात को निवेदन किया 10 बजे और उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकारा और हमारे साथ वर्चुअल वो आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्हें यहां पर उनके शब्दों को सुनने के लिए हम तमाम लोग यहां बैठे हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने बातें हमारे बीच रखे, अपनी भावनाएं हमारे बीच शेयर करें। श्री बाला साहब थोरात। महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जा मंत्री, नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितीन राऊत जी, इथे उपस्थित असलेले सर्व प्रमुख अधिकारी म्हणजे विभागीय आयुक्त, आपल्या महानगरपालिकेचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीसचे सर्व प्रमुख अधिकारी वर्ग, सर्व उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आमचे मित्र मुन्ना ओझाजी, इंडस्ट्रीतील आणि सर्व संघटनांचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, बंधू आणि भगिनी, प्रथम तर मी माननीय मुन्ना ओझाजींचं, रामकिशन ओझाजींचं एक आभार मानतोय, त्यांचं कौतुक या निमित्तानं मी करतो आहे की त्यांनी एक अत्यंत चांगला उपक्रम आज येथे घेतलेला आहे। या उपक्रमाचं एकंदर उद्देश सुद्धा असा आहे की कोरोनाच्या संकटाला जवळपास 3.5 वर्ष आपण सामोरं जातो आहोत, पहिली लाट आली खूप कठीण प्रसंगातून आपण गेलो, दुसऱ्या लाटेमध्ये तर आणखी कठीण परिस्थिती आपल्या सर्वांपुढे ओढवली होती, त्यामध्ये नागपूर शहर सुद्धा होतं। आपले पालकमंत्री माननीय नितीनजी राऊत आणि सर्व अधिकारी वर्ग असतील, कर्मचारी असतील आणि जनतेचं सुद्धा सहकार्य, याच्यातून आपण त्या लाटेतून बाहेर आलो। खरं त्या कालखंडामध्ये एनजीओजनी सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं, ज्या स्वयंसेवी संस्था आहेत त्यांचा सहभाग सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं राहिला, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग राहिला की या सगळ्या लाटेला सामोरं जात असताना। आता दुसरी लाट कमी झाली असं दिसतं आहे, परंतु तिसऱ्या लाटेचा धोका आपल्या पुढे आहेच, जगामध्ये सुद्धा हा अनुभव येतो आहे। वैक्सीनेशन ज्यांचं झालेलं आहे, आपला प्रयत्न चाललेला आहे की वैक्सीनेशन जास्तीत जास्त झालं पाहिजे, त्याकरता आपण पूर्णपणे प्रयत्न करतो आहोत, परंतु आजही दोन्ही डोस वैक्सीनेशनचे झाले ही संख्या आपली मर्यादित आहे, ही वस्तुस्थिती आहे।
त्यामुळे तिसरा लाटेचा धोका आपल्याकडे आणखी आहे आणि त्यामुळे आपण सर्वजण काळजीत आहोत की तिसऱ्या लाटेचा त्याच्यामध्ये काय काय आपल्याला सामोरं जावं लागेल. पहिल्या लाटेमध्ये जे काही प्रश्न आपल्यापुढे निर्माण झाले होती त्यापेक्षा खूप वेगळे, विशेषतः आपण पाहतो की ऑक्सिजन हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ठरली, रेमडेसिवीर सारखे इंजेक्शन महत्वाच्या गोष्टी ठरल्या. काही काळ जो आपण 15 एप्रिल पासून तर 15 मे पर्यंत कल्पनेत नव्हतं एवढा कठीण काळ आपल्या सर्वांच्या समोर आला होता. तिसऱ्या लाटेमध्ये नेमकं काय होणार आणि त्याला सामोरं आपण कसं जायचं याची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने काय नियोजन आपण आतापर्यंत केलंय, माननीय मुख्यमंत्री सातत्यानं या बाबतीत आपल्या सर्वांना जागृत करत आहेत. त्यांनी पहिली घोषणा माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही जी आमची घोषणा होती खूप महत्वाची आहे की मी कुठेतरी गर्दीमध्ये जातो, मी समाजात फिरत राहतो, मी इकडे जाऊन नंतर घरामध्ये कुटुंबामध्ये आपण जातो, आपल्याच कुटुंबामध्ये आणि इन्फेक्ट होऊन जातो. कदाचित आपल्याला त्रास होणार नाही पण कुटुंबातला इतर वडीलधारे असतील यांना त्रास होऊ शकतो. ही अत्यंत चांगल्या प्रकारची घोषणा आणि मोहीम आपण राबवलेली आहे. परंतु लाट कमी झाली असं वाटल्यानंतर आपण सगळी काळजी करण्याचं सोडून देतो हाही अनुभव आपल्या सर्वांचा आहे. आणि म्हणून तिसऱ्या लाटेला आज काही वाढ निश्चितपणे दिसते. त्यामध्ये सणांचे दिवस आपले आहेत, या सणांच्या कालखंडामध्ये आपण एकत्र येण्याचं प्रमाण वाढतो आणि त्याच्यानंतर लाट सुरू होते. आपण त्या दृष्टीने काळजी घेतो आहोत परंतु आणखी काळजी घेणं आवश्यक आहे. म्हणून आपण आतापर्यंत काय काय तयारी केलेली आहे आणि पुढे आणखी काय तयारी करावी लागेल याच एक परिसंवाद, एक परिषद, एक चर्चा, विचार विनिमय, संवाद हा इथे आयोजित केलेला आहे. ही खूप चांगली असा चांगला उपक्रम आहे. यामध्ये केलेलं काम आणि ज्या सूचना काही येतील त्याचा उपयोग आपल्याला तिसऱ्या लाटेमध्ये होईल. विशेषतः आज व्यापारी वर्ग आहे, इंडस्ट्रीतली जी काही मान्यवर इथे उपस्थित आहेत त्यांच्या दृष्टीनं एकच म्हणेल की आपली शेवटी अर्थव्यवस्था चाललीच पाहिजे. अर्थव्यवस्था शेवटी त्याच्यावर रोजीरोटी असते. मग आपल्याला या कोरोनाच्या संकटामध्ये आपली रोजीरोटी आणि आपली अर्थव्यवस्था कशी चालेल, उत्पादकता उत्पादन ही चाललीच पाहिजे, त्याकरता काय काय करावे लागेल असाही एक वेगळ्या प्रकारचा काही गोष्टी जर आपण करू शकलो, त्याची नियमावली काही करू शकलो, काही बंधनं काही सवलती असं करू शकलो आणि ती स्वतःवर लागून घेतली. प्रशासन तुमच्या पाठीशी आहेच आहे, शासन तुमच्या पाठीशी आहे, फक्त आपण कशा पद्धतीनं पुढे जायचंय हे जर ठरवून सामोरं या सगळ्या लाटेला गेलो तर त्याचा उपयोग आपल्याला निश्चितपणे होऊ शकतो. मी आजही पाहतो आहे की अनेक तरुण माणसं म्हणजे दुसरी लाटेनंतर तिसरी लाट सुरू झाली नाही झाली याची चर्चा करत असताना अनेक तरुण हे आपल्यातून कोरोनामुळे आपल्यातून निघून जात आहेत अशा प्रकारचं चित्र आजही आहे. आपल्याला बेफिकीर राहून चालणार नाही, काळजी ही घ्यावीच लागेल. फक्त ते एकत्र चर्चा करून ठरवूया की कशा पद्धतीनं पुढे जायचं आणि अशा प्रकारची ही परिषद माननीय मुन्ना ओझाजी त्यांचे सहकारी यांनी आयोजित केली. आपण तिचा उपयोग आपल्याला निश्चितपणे होईल आणि त्यामधून एक नियमावली काही तयार होईल आपल्या सगळ्यांच्या चर्चेतून, ती महाराष्ट्राला सुद्धा उपयोगी येईल याची खात्री मला आहे. मुन्नाजी ओझा आणि आपल्या सगळ्यांचे मी या निमित्तानं एक आपल्याला या परिषदेकरता मी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. सर फार फार आपले आभारी आहे. आपण थोडक्यात न हो पण आपण जे वेळ काढून आम्हाला सगळ्या व्यापाऱ्यांना जे मार्गदर्शन दिलं त्याबद्दल नागपूर फ्रॅटर्निटी, नागपूर इंडस्ट्री फ्रॅटर्निटी, नागपूर ट्रेड फ्रॅटर्निटी आपले फार आभारी आहे सर. आपला मार्गदर्शन आपला नेतृत्व आम्ही कोविड पहिल्या आणि कोविड दुसऱ्यामध्ये बघितलेला आहे. शांततेने आपण ज्या प्रकारे पूर्ण राज्यात काम केलं आणि सगळ्यांना आपण दौरा कोविड असूनही इतका तरी आपण पूर्ण राज्यभर फिरून सगळ्या आपल्या महसूल विभागाने पूर्ण राज्यात पूर्ण सगळ्यांना घेऊन आणि खराब परिस्थितीमध्ये काम केलं त्याबद्दल आपल्या मनापासून नागपूर शहर आपला आभारी आहे सर. धन्यवाद.